नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जून शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जालौर जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीईओ सेकेंडरी का पीए दिनेश कुमार को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीईओ मोहनलाल और अकाउंटेंट बसंत कुमार को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी महावीर सिंह ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बताया कि आरोपियों ने निजी स्कूल के निरीक्षण से जुड़े प्रकरण में रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी में दी थी, जिसके बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सियासी संग्राम को लेकर कई सवालों का जवाब दिया है। माकन ने प्रियंका गांधी के सचिन पायलट को समय नहीं देने की बातों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सचिन पायलट सीनियर लीडर हैं, वे कांग्रेस के एसेट हैं, स्टार लीडर और स्टार प्रचारक हैं। जहां तक प्रियंका गांधी के समय नहीं देने की बात है तो ऐसा संभव ही नहीं है। माकन ने कहा, प्रियंका गांधी खुद 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है, यह सर्वविदित है। ऐसे में समय नहीं देने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और मुझसे लगातार बात हो रही है, वे सब नेताओं के संपर्क में है। कई विधायकों की बयानबाजी पर माकन ने कहा, राजस्थान कैबिनेट में फिलहाल 9 पद खाली हैं, राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी बाकी हैं, इन सब मुद्दों पर काम चल रहा है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीनियर लीडर सीपी जोशी सबसे बात कर रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र से एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने 3 साल पहले लव मैरिज की थी। इसके लड़की के घर वाले नाराज थे, इसके चलते मौका मिलने पर ससुराल वालों ने दामाद को पीट दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया है। पीड़ित शख्स की पत्नी का आरोप है कि उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, तभी से उसके परिजन रंजिश पाले बैठे हैं। युवती ने बताया कि जब उसे अपने पति की पिटाई की बात पता चली तो वो दौड़ती हुई मौके पर पहुंची और पुलिस की मदद से अपने पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि मलिकपाड़ा मोहल्ला के रहने वाले एक लड़की और लड़की के बीच प्रेम संबंध हो गए, लेकिन लड़की के परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर इस प्रेमी जोड़ी ने 27 सितंबर 2018 को घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लिए और आराम से रहने लगे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को शहर के बाजारों में कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की ने कहा कि ढील मिलने पर अगर ऐसा उल्लंघन हुआ तो इससे कोरोना की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजार एवं विक्रेता संघ के साथ इस संबंध में बैठकें करने को भी कहा। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस आशा मेनन की अवकाशकालीन पीठ ने एमसे के एक डॉक्टर द्वारा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों को भेजी तस्वीरों का संज्ञान लिया। तस्वीरों में बाजारों में रेडी पटरी वाले कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। पीठ ने कहा कि दूसरी लहर में हमने बड़ी कीमत चुकाई है, शायद ही ऐसा कोई घर हो जो दूसरी लहर से प्रभावित ना हुआ हो। चूरू जिले के सादुलपुर के हमीरवास थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव जसवंतपुरा में एक व्यक्ति ने आरोपी ने उसके बेटे को नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड 19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा कि हर सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि आज देश में करीब 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा कि इस वायरस का बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने साइंस, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति के रूप में हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क भी किया है। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा।
शिक्षा विभाग में राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण का निस्तारण करते हुए शिक्षा विभाग ने 65 मृतकों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला का भी आवंटन कर दिया गया है। यह आदेश शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने जारी किए हैं। इन 65 अनुकंपा नियुक्तियों में केवल एक मामले 9 साल पुराया है। इसके अलावा सभी प्रकरण पिछले एक साल के अंतराल के हैं। शिक्षा निदेशक स्वामी ने पद संभालने के बाद शिक्षा विभाग में मृतकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में तेजी देखने को मिली है। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पिता के साथ थाने में पहुंचकर आरोपी हरिओम बैरवा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर जिले के जामसर थाना क्षेत्र में विवाहिता का गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि मृतका के भाई ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी बहन मैना को उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर मार दिया। पुलिस ने बताया कि विवाहिता फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।